हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं, जो मेरी दी है उनकी बेटी के स्कूल में आज एनुअल फंक्शन है, तो आज हम जा रहे हैं एनुअल फंक्शन देखने। चंद्रनाहन स्कूल जो कि रोडू में है, वो फंक्शन देखने हम लोग जा रहे हैं। तो अभी बच चुके हैं शाम के 6। वैसे तो फंक्शन आई थिंक 4 बजे से शुरू हो गया था, बट हम लेट हो गए हैं। लेट हो नहीं गए हैं, मैं ऑफिस के बाद आई हूँ, तो इसी टाइम पे हमारे पास टाइम होता है, तो फिर हम जा रहे हैं फंक्शन देखने। तो एनुअल फंक्शन देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्कूल टाइम मेरा फेवरेट टाइम था, सबसे बेस्ट टाइम था मेरा स्कूल टाइम। स्कूल की मेरी फ्रेंड्स और जो मेमोरीज है स्कूल की, वो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस। तो देखते हैं अभी चंद्रनाथ स्कूल जाने के बाद कैसा फील होता है, अपने पुराने एनुअल फंक्शन, अपने सब कुछ, स्कूल टाइम याद आने वाला है। बाकी दिखाते हैं आपको फंक्शन, तो बने रहिए हमारे साथ। चंद्रनाथ स्कूल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे है, तो कैसा फील हो रहा है आपको अपने स्कूल के बाद किसी और स्कूल का एनुअल फंक्शन देखने जा रहे हो आप? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अपने स्कूल के अलावा, मैंने कहीं का फंक्शन नहीं देखा। मैंने भी वैसे हाँ कहीं पे भी नहीं देखा है। तो स्कूल, मैं स्कूल से पास आउट हो गई थी 2013 में मैं स्कूल से पास आउट हो गई थी, तो उसके बाद किसी और स्कूल में मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मतलब पता नहीं है मुझे यहाँ का कैसे एनुअल फंक्शन होता है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं स्कूल में थी, मैं तो स्पोर्ट्स में ही थी और बाकी जो अदर एक्टिविटीज होती थी तो उसमें ही होती थी हमेशा बैक स्टेज। ये रहा, ये है ना सामने, ये रहा सामने चंद्रनाथ स्कूल, जहाँ पे डेकोरेशन कर रखी है एनुअल फंक्शन के लिए। ये काफी अच्छा स्कूल है रोडू में, मतलब यहाँ के जितना मैंने रिव्यू लिया है लोगों से, काफी लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा स्कूल है। और आई थिंक सो ये रोडू में यहाँ पे पहला सीबीएसई बोर्ड का ये पहला स्कूल है, बाकी यहाँ पे रोडू में सीबीएसई बोर्ड नहीं है स्कूल। दीदी से पता कर रहा, गाड़ी लगाने के लिए ऊपर जगह मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, कॉल करनी पड़ेगी। तो ये है स्कूल की एंट्रेंस, चंद्रनाहन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं स्कूल में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, आप तो आए हो सामने को लेने ना, वैसे क्यों आए थे वो पहले भी। हाँ वैसे गाड़ी ऊपर तक जाती है, बट अभी शायद ऊपर जगह ना हो पार्किंग के लिए। बाकी आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कि क्या है ऊपर फंक्शन का सिस्टम एंड ऑल, पता नहीं जगह मिलेगी भी या नहीं बैठने के लिए, हमारा पोपट ना हो जाए कहीं। पर्दे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, एक्चुअली बहुत बाहर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो ये बार बार उठ के मेरी तरफ आया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरीटेट। मतलब मैं बार बार इस पर्दे को पकड़ रही थी, पीछे ही कर धकेल रही थी, फिर से उठ के मेरे पास आ रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपनी सीट ही चेंज कर ली थी यहाँ से, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉर्नर में बैठी थी, तो कॉर्नर में तो ऑब्वियसली बात है आना ही था। बट इस पर्दे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। जीते जी
फंक्शन के बीच में आए हम लोग एग्जीबिशन देखने, जो कि बच्चों ने लगा रखी थी। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था और ये बच्चों ने खुद किया था डेकोरेट, मैंने इनसे पूछा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मंडाला आर्ट जो इन्होंने क्ले उसे बोलते हैं शायद, क्ले से और पेंटिंग पेंट से किया हुआ है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है स्टोन के ऊपर इतनी खतरनाक पेंटिंग, ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो और इसके साथ इन्होंने बनाए थे ये हाउसेस जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, पेंट ब्रश से और गत्ते की हेल्प से शायद। जब हम स्कूल टाइम में होते थे, हम भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते थे, तो बहुत मज़ा आता था। स्कूल टाइम याद आ रहा था मुझे तो सीरियसली। और ये है बॉटल जिस पे इन्होंने फ्लावर पॉट बना रखा है, उसको अच्छे से यूज़ किया हुआ है, मतलब बॉटल को। और ये इन्होंने कर रखी है यहाँ पे मिरर पे पेंटिंग, और पेंटिंग तो आप देख ही सकते हो, आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड है। मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी, मुझसे एप्पल भी अच्छे से नहीं बनता था, तो सोच सकते हो। अभी एनुअल फंक्शन में जो डांस एक्टिविटीज़ थी वो हो चुकी है ख़त्म, और अब हो रहा है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्लैप फॉर हर। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्यावीर। आर्यावीर ऑफ फोर्थ क्लास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ही गॉट सेकंड प्राइज इन एकेडमिक्स, थर्ड प्राइज इन चेस एंड फर्स्ट। ये बात, हम लोग आ गए हैं डिनर करने, और डिनर करने के लिए लगी है इतनी लंबी लाइन। और ये है हमारे साथ तो जब तक हमारी बारी आती है तब तक लगे रहते हैं लाइन में, और दूसरों की थालियों को देखते रहते हैं। तो हम लोगों
गए फंक्शन देख के वापिस। बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा। स्कूल का टाइम याद आ गया, पुराना टाइम। तो बस यही था आज के ब्लॉग में, हमने आपको दिखाया कि एनुअल फंक्शन कैसे होता है यहाँ पर। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।